और ये बैठे हैं दोनों दूल्हे साहब, वो एक सामने ये बैठे हुए हैं और दूसरा ये बैठा हुआ है। और दोस्तों ये है दहेज, तो ये देख लें, ये सारा सामान पड़ा हुआ है जो कि दहेज में दिया जाता है दुल्हन को। ठीक है, तो दो दुल्हन है, दो दूल्हे आए हुए हैं ना। यहाँ पर खाना दिया जा रहा है, ये देखें जितने भी सभी मेहमान इस शादी पे आए हुए हैं ना। ये मैं हूँ, ये हमारा राहुल है और ये हमारा खाना है, और अभी हम खाना खाएंगे। नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन से एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं वेडिंग पे, बल्कि हम पिछले दो दिन से यहीं पर हैं और ऑलरेडी मैं दो व्लॉग बना चुका हूं। एक पहला दिन जो होता है मेहंदी का और महफिल वगैरह हुई थी, खाना वगैरह पकाते हैं, जो वो सारा सीन मैंने आप लोगों को दिखाया है। और दूसरा था बारात का सीन, दूल्हे को तैयार कर कर हम जो है लड़की के घर लेकर जाते हैं, बारात लेकर जाते हैं। तो वो दो व्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो राइट नाउ अभी हम जा रहे हैं बारात, जहाँ पर बारात गई हुई है ना, हम भी वहाँ पर गए थे लेकिन रात को वापस आ गए थे। तो अभी जो है व्लॉग को स्टार्ट करके ना अभी वहाँ पर जा रहे हैं। तो साथ ही है मेरे राहुल और ये हैं जी ड्राइवर, जो कि मेरे जीजा जी हैं, और पीछे हैं जी ये भी मेरे मामा जी के बेटे हैं दानिश, तो जीजा जी हैं संतोष जी। तो हम चार जो हैं अभी जा रहे हैं बारात, जहाँ पर बारात गई हुई है ना वहाँ पर जा रहे हैं। तो राइट नाउ चलते हैं और वहाँ पर आपसे मुलाकात करते हैं। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर बारात आई हुई थी, सभी बाराती आए हुए हैं जहाँ पे, तो अभी वहाँ पर हम भी पहुंच चुके हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल वेडिंग है, ट्रेडिशनल शादी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो अभी जो है यहाँ पर हम आए हैं किसी के घर, तो एक दूल्हा जो है ना, जो बल्कि दो दूल्हे हुए हैं, एक हमारी तरफ का, एक हमारा दूल्हा है, एक दूसरा दूल्हा है, जो कि यहाँ पर चाय वगैरह पीने की रस्म होती है। ये देखें ये हैं जी हमारे वाले दूल्हे साहब ओम प्रकाश, और दूसरे वाले जो दूल्हे हैं वो रूम के अंदर गए हैं, इसी रूम के अंदर। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पर ये है गुराड़ी और उसके अंदर मिठाई है, और ये नारियल है, कच्चा नारियल, ठीक है, और कुछ मेवा जात वगैरह इसके अंदर डाला गया है। तो ये कुछ इस तरह से जो है बनाई जाती है थाली के अंदर गुराड़ी। ये अभी यहाँ पर एक ही करके पेश की गई है, देख सकते हैं आप सभी मेहमानों के दरमियान, और ये बैठे हैं दोनों दूल्हे साहब, तो वो एक सामने ये बैठे हुए हैं और दूसरा ये बैठा हुआ है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर जो है चाय, जैसे चाय बोला जाता है यानी कि रोटी, तो गुराड़ी वगैरह खाने के बाद यहाँ पर सभी फ्री हो चुके हैं, और ये सभी बाराती हैं जो कि आए हुए हैं, और ये दूल्हे साहब खड़े हुए हैं, दूल्हे साहब के साथ जो है वो भाई उनके खड़े हुए हैं। तो ये सभी बाराती हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वहीं पे जहाँ पर दूल्हे वालों को यानी कि डेरा दिया गया था, उसे हम डेरा बोलते हैं, तो जहाँ पर दूल्हे वालों को जगह दी गई थी बैठने के लिए, तो अभी वहीं पर जा रहे हैं, और अभी खाने वगैरह का इंतजाम किया जाएगा, खाना वगैरह दिया जाएगा, और उसके बाद कुछ देर के बाद जो है फिर दहेज जो होता है वो दहेज दिया जाएगा, वो सामान जितना भी होता है वो गिनवाया जाता है, उसके बाद फिर जो है दूल्हे साहब को छुट्टी दी जाती है, और दूल्हे साहब जो है फिर अपने घर जाते हैं। ठीक है, तो सभी बाराती फिर घर जाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से भी एक बारात आएगी, वहीं पर आएगी, तो वो भी सीन आप लोगों को हम जरूर दिखाएंगे। तो राइट नो अभी जा रहे हैं, तो अभी खाने का इंतजाम होगा तो खाने पर जा रहे हैं। बाकी ये जो इलाका है ये डेजर्ट का इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो काफी रेत है यहाँ पर, इसी वजह से जो है ना हम रात यहाँ पर आए थे और बारात लेकर आए थे, जैसे मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो इसी वजह से जो है ना हम यहाँ से ना रात चले गए थे वापस, जहाँ पर शादी थी दूल्हे वालों के घर चले गए थे, तो यहाँ पर रेत थी, जगह भी नहीं थी बैठने के लिए, सोने के लिए, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, आजकल ठंड चल रही है ना, तो इसीलिए। बाकी पहुँच चुके हैं, ये है जी डेरा जहाँ पर दोनों दूल्हों को जगह दी गई बैठने के लिए, तो ये सामने ही डेरा है, मैं आपको अंदर से चलकर दिखाता हूँ। तो ये देखें जी दोस्तों, यहाँ पर आग का इंतजाम भी किया गया, आग जल रही है, ये देखें हाथ वगैरह सेकने के लिए, और सामने ये जो दूर दो रूम आपको नजर आ रहे हैं ना, इसी के अंदर जो है ना जगह दी गई थी दूल्हे साहब को, दोनों दूल्हों को बैठने के लिए ये डेरा दिया गया था। ये हैं दूल्हे के भाई और उनके चाचा जी, दोनों साथ खड़े हैं, ये देखें, और ये है शिवानी। और दोस्तों अभी एक और जगह पर आए, यहाँ पर भी एक रस्म होती है जिसे हम मुँह उठानी बोलते हैं, तो मुँह उठानी एक रस्म होती है जिसमें खाना दिया जाता है, तो वो खाना खाने के लिए होता है तो खाना पड़ता है, तो यानी कि अभी हम दुल्हन के घर आए हुए हैं।
और दोस्तों ये है दहेज, तो ये देख लें ये सारा सामान पड़ा हुआ है जो कि दहेज में दिया जाता है दुल्हन को, ठीक है। तो दो दुल्हन है, दो दूल्हे आए हुए हैं ना, तो ये देखें सारा सामान है, ये संदूक वगैरह पड़ी हुई हैं, और ये बर्तन वगैरह ये देखते हैं, बैग वगैरह, ये पिल्लो वगैरह ये देखें, ये पिल्लो है, तो ये देखें मारवाड़ी स्टाइल में बनाया जाता है, तो मारवाड़ी डिज़ाइन है ये, ठीक है। ये सारा सामान आप देख सकते हैं, तो टोटल ये जो है दहेज में दिया जाएगा ये सारा सामान दोनों दुल्हन को, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कुछ है डब्बे में सामान वगैरह, जैसे कूलर वगैरह है, हॉट वॉट वगैरह हो गए, और पीछे अलमारी वगैरह छोटी पड़ी हुई है वो सामने, ये फ़ैन भी है देखें, तो ये सारा सामान दहेज के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर खाना दिया जा रहा है, ये देखें जितने भी सभी मेहमान इस शादी पे आए हुए हैं ना, तो तमाम लोगों को यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है, ये देखें। और ये बच्चे वगैरह सभी बैठे हुए हैं, ये देखें बच्चे बूढ़े सभी जवान, ये देखें सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। अच्छा पता ही हो गए, तो दोस्तों यहाँ पर जो है देगें पड़ी हुई हैं, और यहाँ से ही डाल डाल कर दे रहे हैं, जिसमें मीठे और नमकीन चावल हैं, तो इस देग में जो है मीठे चावल हैं और उसमें नमकीन चावल हैं। और यहाँ पर चपाती, तो रोटी जो के, तो यहाँ से चपाती डाल डाल कर दे रहे हैं, ये देखें ये छाबी होती है, इसे छाबी बोलते हैं हम लोग, तो इसके अंदर डाल कर दे रहे हैं जी। तो ये भाई खड़े हैं यहाँ पर, तो राम राम, राम राम, मैंने कहा क्या नाम है आपका? नीला राम। नीला राम, और भाई आपका नाम? नेवंद राम। नेवंद राम, तो सही है, सेवा में लगे हुए हो। हाँ हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम भी बैठ चुके हैं खाने के लिए, तो नीचे बैठे हुए हैं और अभी खाने का वेट कर रहे हैं, तो प्लेट्स वगैरह आएंगी ना, तो उसके अंदर डाल के खाएंगे ना, तो प्लेट का वेट कर रहे हैं और खाना भी आएगा, तो अभी सभी बैठे हुए हैं, ये देखें। तो ये है अजय भाई, दानिश भाई, राहुल भाई, और हमारे जीजा जी, संतोष जी, तो ये सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखें। और भाई ठंड बहुत ज़्यादा, देखें ऊपर जो है ना बादल छाए हुए हैं, तो काफ़ी ठंड है यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्लेटें आ चुकी हैं, ये देखें, और अभी जो है हम खाना खाएंगे सभी मिलकर। कैसे है? हाँ भाई, खाने के लिए अभी बैठे हुए सभी उतावले हैं और बोल भी नहीं रहा कोई। जी सर, हाँ जी, नमस्ते सर। ये मैं हूँ, ये हमारे राहुल हैं, और ये हमारा खाना है, और अभी हम खाना खाएं। लाइक भी करें और फॉलो भी करें। तो यहाँ पर सलाद आ चुका है, ये देखें, ये ले जी एक और सलाद आ चुका है हमारे पास, और सलाद में है गाजर और खीरा। ये देखें जी, ये भाई यहाँ पर चावल बांट रहे हैं, और राजस्थानी पगड़ी बांधी हुई, ये देखें। क्या नाम है आपका भाई? विजय। विजय भाई का नाम है, और मैंने शक्ल सिर्फ देख लिया, मैंने कहा विजय भाई का ही नाम होगा। और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सब्जी में है मटर पनीर, तो ये देखें। हाँ तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापस घर, जहाँ पर मतलब के दूल्हे वालों के घर, तो बारात अभी पीछे आएगी। हम बाइक पे आए थे ना, तो बाइक पे भी वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है, खाना वगैरह हमने खा लिया है, तो जीजा जी जो हमारे संतोष जी उनके साथ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें भाई डेजर्ट है, ये देखो ये पूरा डेजर्ट है, ये देखो गाड़ी यहाँ पर आकर फंस जाती है, और ये रात जो बस आई हुई है ना छोटी सी, ये बस इनमें से एक बस जो वो फंस गई थी यहाँ पे पीछे, वहाँ पर रात हम निकाल रहे थे, ये डेजर्ट का इलाका भी बहुत ही जलील हुए हैं। हाँ भाई, हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। हाँ। ये रहे संतोष जी, तो अभी हम जा रहे हैं इस बाइक पे। हाँ तो जी दोस्तों, ये इस व्लॉग के नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो यानी कि इस व्लॉग को अभी जाकर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो हम बेसिकली वहाँ से कल आ गए थे, और उसके बाद जो है फिर शाम हो गई, और शाम को फिर जो है हमारी बारात वापस आई, तो यानी कि हम लड़की के घर गए थे, लड़की को ब्याह कर लेकर आ गए, और उसके बाद फिर वहाँ से भी बारात आनी थी, यानी कि हमने सामने शादी थी, तो यहाँ से भी यानी कि एक लड़की थी, वहाँ से भी एक लड़की लेकर आए, तो रात उनकी बारात आई है, तो अब जो है उनकी बारात का आपको सीन दिखाते हैं। तो वो रात आई थी, और अभी जो रस्में होने वाली हैं वो सारी चीज़ें आपको हम चलकर दिखाते हैं। दोस्तों जो शादी वाला घर है वो ये है, ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है ना, ये शादी वाला घर है, और ये भी है, तो इसी के अंदर जो है, इस हॉल के अंदर जो बारात आई थी उनको हमने यहाँ पर बिठाया हुआ है, तो इसके अंदर अभी कुछ रस्में होने वाली हैं, वो आपको चलकर हम दिखाते हैं। ये देखें, ये सभी बाराती यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखें,
ये सभी बराती हैं। और दोस्तों इसे हम जुई बोलते हैं, तो जुई के अंदर जो है सामान वगैरह गिनवाया जाता है और सामान लिखवाया जाता है, तो पैसे भी लिखवाए जाते हैं जो लोग शादी के अंदर आते हैं। यहाँ पर ये भी एक रस्म होती है जो कि की जाती है और ये पुरखों से चलती आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी मेहमान बैठे हुए हैं जो शादी में आए हुए हैं। तो ये देखें, ये कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है और जिसके अंदर डिफरेंट यानी के चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारा सामान दिया जाता है, लड़की को दिया जाता है। तो दोस्तों ये हैं जी दूल्हे साहब, जो कि आप देख सकते हैं सामने ही फोन पे जो है ना बात करते हुए पोज ले रहे हैं, फोटो बनवा रहे हैं, ये दूल्हे साहब हैं। और दोस्तों अभी यहाँ पर है रेहान का टाइम, जो कि एक रस्म है हमारी, और इसके अंदर बेसिकली जो दूल्हे वाले जो होते हैं ना लड़के वाले, वो जब लड़के घर आते हैं यहाँ पर बारात लेकर, तो सुबह के टाइम यहाँ पर वो रेहान की रस्म करते हैं। और उस रस्म में क्या होता है, बेसिकली वो वहाँ पर यानी कि वहाँ से ना अपने साथ नकुल वगैरह जो होते हैं ना, मीठी चीज़ें होती हैं, तो वो लेकर आते हैं, उसे हम नकुल बोलते हैं, या टॉफी वगैरह लेकर आते हैं, वो यहाँ पर आकर बांटते हैं यहाँ पर। तो वो एक रस्म होती है, वो भी आपको चलकर दिखाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर सभी मेहमान इकट्ठे हो गए हैं, जो लड़के वाले यानी कि बारात वाले, और यहाँ के हमारे भी जो मेहमान है वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं एक साथ, और यहाँ पर रेहान होने वाली है। हाँ तो दोस्तों ये है जी रेहान, एक थैली सी पोटली बनाई गई है, तो ये बेसिकली दी जाती है, इसके ऊपर शादी मुबारक भी लिखा हुआ है, ये देखें वेडिंग सेरेमनी इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है, तो ये देखें। और इसके अंदर है, ये देखें जैसे कि ये टॉफ़ी है, ये फैंटा की टॉफ़ी हो गई, और इसके अंदर ये खजूर वगैरह, तो इस तरह की डिफरेंट जो है मेवा जात भी है इसके अंदर, तो डिफरेंट चीज़ें मिलाकर ये दी जाती है। और यहाँ पर जितने मेहमान आए हुए ना, हम सबको एक एक पोटली दी जा रही है इस तरह से।